Next one, another example based on array property. इस केस में टोटल मैंने टू एग्जाम्पल प्रोवाइड किए हैं. सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे टेस्ट किया अबाउट साइज प्रॉपर्टी ऑफ द एरे. इस फर्स्ट केस में देखा जाए तो सिंपली एक एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया. इसे डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स. प्लस एरे नेम क्या हुआ, ए इटसेल्फ क्या, ए इज अ नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और ए इज अ नेम ऑफ कंप्लीट ब्लॉक. ये इस केस में क्या है, नेम ऑफ कंप्लीट ब्लॉक. लेकिन फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या हुआ, ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन. क्लियर. नेक्स्ट कोई वैल्यूज आने की बाई डिफॉल्ट इनके वैल्यूज क्या होंगे, गार्बेज वैल्यू. वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट केस नहीं है, एड्रेसिंग जस्ट रिक्वायर्ड क्या है, साइज. फर्स्ट केस में डिस्प्ले करा है साइज ऑफ ए. साइज ऑफ ए मीन्स साइज ऑफ दिस कंप्लीट ब्लॉक. इस कंप्लीट ब्लॉक का साइज क्या है, टोटल साइज क्या है, टोटल एलिमेंट्स कितने, 5 एलिमेंट्स. एक सिंगल इंटीजर एलिमेंट का साइज का तो ऑलवेज 2 बाइट्स, इसलिए टोटल साइज क्या रहेगा इस केस में, एग्जैक्टली 10 बाइट्स. फर्स्ट केस में जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, 10. नेक्स्ट वन, सेकेंड केस में डिस्प्ले क्या कराया, क्या कराया गया, साइज ऑफ ए जीरो. व्हाट इज द साइज ऑफ ए जीरो, ए जीरो मीन फर्स्ट एलिमेंट. ये एलिमेंट किस टाइप का है, इंटीरियर टाइप का, और इंटीरियर का साइज क्या है, 2 बाइट्स. तो इस केस में साइज क्या आएगा, 2. सेवन मीन एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स का साइज क्या है, वो ऑलवेज 2 बाइट्स. चाहे आप ए जीरो का साइज डिस्प्ले कराओ, ए वन का साइज डिस्प्ले कराओ, या एनी एलिमेंट्स. तो इस केस में ए ऑफ वन की बात करें तो ए ऑफ वन का भी साइज क्या है, ऑल्सो 2 बाइट्स. फाइनली इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट केस में जस्ट डिस्प्ले हुआ है 10. सेकेंड केस में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 2 space 2. क्लियर. नेक्स्ट वन, सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग केस है, कि इस केस में देखा जाए तो मैंने थ्रू आउट दिस एग्जाम्पल कहीं भी एरे क्रिएट हुआ है क्या, नहीं. मिस सिंपली 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किए, वेरिएबल एक्स वाई और जेड. कहीं भी कोई एरे डिक्लेरेशन नहीं, फिर मैंने इस केस में सिंटेक्स किस फॉर्म में राइट किया, इन द फॉर्म ऑफ एरे. अगर ये केस वैलिड है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंटर कन्वर्जन. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, एरे के अंदर एरे के सारे एक्सप्रेशन मेमोरी के अंदर प्रोसेस किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो अगेन इस केस में क्रिएट क्या करेंगे, स्टैक डायग्राम. देन आपकी इजीली समझना पॉसिबल. स्टैक के अंदर आप कोई भी एड्रेस एज्यूम कर सकते हो, लेकिन एड्रेस में डिफरेंस कितने का हुआ, एग्जैक्टली 2 बाइट्स. फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस एज 100, एड्रेस एज 98, एड्रेस एज 96 और 94, लाइक दैट. देन इनिशियली सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड हुए, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड. ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस लोकेशन का एड्रेस 100 है, देन इसका अदर नेम क्या रहेगा, समथिंग स्टार 100, स्टार 98, स्टार 96. देन सबसे पहले एलोकेशन किसके लिए हो रहा है, वेरिएबल एक्स. नेक्स्ट केस में एलोकेशन फॉर वाई, एलोकेशन फॉर जेड. इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई इज 20, इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड इज 30, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिक्लेरेशंस. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. जस्ट मैंने इस केस में एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है लाइक दैट, एड्रेस ऑफ वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. इसे सिंटेक्स कैसा है, वैलिड सिंटेक्स. रीजन जस्ट इस केस में अगेन प्रॉपर्टी रीयूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑफ आई. अगर आप कहीं भी कोई सिंटेक्स फॉलो करते लाइक दैट ए ऑफ आई, इसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या होगा, इस केस में स्टार ए प्लस आई. वन मोर थिंग्स, इस केस में ए के प्लेस पर एक्सपेक्टेड क्या है, मेमोरी एड्रेस. मीन्स इस प्लेस पर क्या आना चाहिए, एड्रेस, या फिर आई के प्लेस पर क्या आना चाहिए, एड्रेस. इन दैट केस, इस केस में ब्रैकेट राइट डाउन किया, ब्रैकेट राइट करना कंपलसरी. अगर मैं ब्रैकेट राइट नहीं करूंगा तो इस केस में इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, इस केस में एम परसेंट और ब्रैकेट में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, ब्रैकेट का. क्या ब्रैकेट अगेन क्या है, ऑपरेटर. देन इसका लॉजिकल मीनिंग क्या होगा, लाइक दैट एम परसेंट वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. तो इस केस में एम परसेंट, सॉरी इस केस में जस्ट वाई क्या हुआ, वाई क्या वेरिएबल. इस प्लेस पर जस्ट के वाई के प्लेस पर कंसिडर किया जाए प्रिमिटिव वैल्यू, जबकि एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू और एड्रेस, एड्रेस. इसलिए प्रायोरिटी को कंट्रोल करने के लिए जस्ट अप्लाई क्या किया गया इस केस में, ब्रैकेट्स. मिस अगेन इस केस में आप चेक कर सकते हो, इस केस में सिंटेक्स किसको किसका फॉलो रहा है, ए ऑफ आई. यहाँ ए के प्लेस पर ए का इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है, एम परसेंट ऑफ वाई किसके इक्विवेलेंट है, ए के. देन आई का इक्विवेलेंट किसका है, 0. क्लियर. तो इसे एक्सप्रेशन में पुट करोगे देन आपके लिए इजिली सॉल्व करना पॉसिबल है. फर्स्ट वन
एड्रेस ऑफ वाई, वाई का एड्रेस क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग 98, फाइनल इस प्लेस पर क्या जाएगा 98 ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। देन अब इसको प्रोसेस करेंगे पॉइंटर्स के फॉर्म में, फाइनली सिंटेक्स इसका एरे का, और सारे के सारे एरे एक्सप्रेशन प्रोसेस किस फॉर्म में होते हैं, पॉइंटर्स के फॉर्म में, तो अगेन इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन। इसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या होगा, ए ऑफ आई इज इक्विवेलेंट टू स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या करोगे 98 प्लस आई मीन्स 0 इक्वल्स टू 1। 98 में 0 से एडिशन होगा, सिंपली क्या आएगा स्टार 98 इक्वल्स टू 1, इसे 1 उस लोकेशन में असाइन होगा जिसका नेम स्टार 98, स्टार 98 मीन्स वाई इट सेल्फ, तो वाई के केस में असाइन क्या हो जाएगा वैल्यू एज 1, मीन्स ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या लाइक दैट वाई इक्वल्स टू 1 सिंपली, जस्ट मैंने अदर वे में राइट डाउन किया इन द फॉर्म ऑफ एरे। सेकेंड केस में अगेन मैंने चेक करो इस केस में थ्रू आउट दिस प्रोग्राम एक्स और जेड में कोई भी चेंजेस परफॉर्म हुए क्या, डायरेक्टली कोई भी चेंज नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली चेंजेस किस में होंगे जेड में और एक्स में। नेक्स्ट केस में अगेन मैंने राइट डाउन किया एड्रेस ऑफ वाई ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू 2, अगेन इसको प्रोसेस करें सेम वे, एड्रेस ऑफ वाई के प्लेस पर रिप्लेस करो वाई का एड्रेस अगेन क्या 98 ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू 2। देन अगर एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में, और एरे के एक्सप्रेशन कन्वर्ट किस फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में, तो इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा इस केस में स्टार ए, ए के प्लेस पर क्या अगेन 98 प्लस माइनस वन इक्वल्स टू 2, माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन किस फॉर्म में आएगा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ माइनस वन इक्वल्स टू 2। 98 क्या है इंटीरियर वाई का एड्रेस, वाई का एड्रेस मीन्स इंटीरियर एड्रेस, कितने बाइट्स का एड्रेस है 98 2 बाइट्स, या सब्ट्रैक्शन भी कितने बाइट्स से होगा 2 बाइट्स से, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा डिफरेंस क्या आएगा 96 इक्वल्स टू 2, तो 2 उस लोकेशन में आने वाला इसका नेम स्टार 96 है, और स्टार 96 किस लोकेशन का नेम है जेड का, तो इनडायरेक्टली इस केस में अफेक्ट कौन हो रहा है जेड, मीन्स चेंजेस किस में होंगे जेड में, जेड का न्यू वैल्यू क्या आसान हो जाएगा एज 2, क्लियर। नेक्स्ट में सेम है जी, नेक्स्ट केस मीन्स विदाउट यूजिंग एक्स और जेड, इनडायरेक्टली एक्स और जेड का वैल्यू वाई का यूज करके चेंज करना पॉसिबल हो रहा है, एड्रेस ऑफ वाई ऑफ वन इक्वल्स टू 3, देन अगर इसका कन्वर्जन क्या हो एड्रेस ऑफ वाई, वाई का एड्रेस क्या 98 ऑफ वन इक्वल्स टू 3 बिकम्स स्टार 98 प्लस वन इक्वल्स टू 3, 98 में एडिशन कितने से होगा 1 से या 2 से, 2 से, जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेस ऑफ इंटीजर 100 इक्वल्स टू 3, तो 3 उस लोकेशन में आने वाला जिसका नेम स्टार 100 है, और स्टार 100 किसका नेम है एक्स का, तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में होंगे इस केस में एक्स में, फाइनली एक्स का वैल्यू क्या हो चुका 3, वाई का वैल्यू क्या है 1, जेड का वैल्यू क्या है 2, तो से आउटपुट में प्रिंट क्या हुआ वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, वैल्यू ऑफ वाई इज 1, वैल्यू ऑफ जेड इज 2, इज द आउटपुट ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल।